मेरे मितवा मेरे मित रे, आ जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा मेरे मित रे, आ जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे। जी हाँ दोस्तों, आज जिन्हां नाल मुलाकात होएगी मैनूं बहुत ही खुशी हुई हुई है। साढ़े दो कलाकार जो आए हुए ने, उन्हां दे गीत, उन्हां दियां सरगमां, उन्हां दे संगीत जो सुनोगे ना हशश कर उठोगे। कबूल करो, स्वीकार करो, जगदीप बोलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम अलैकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव। होर सुनियो की हाल चाल इस प्रोग्राम च। अपने सितारे प्रोग्राम थोड़ा निघा जिहा स्वागत करते हैं सब नूं ही। जी आया आखते हैं जी सदके जी वारी जनाब, जिथे भी तुसी प्रोग्राम देख रहे हो, अपने घरां च, किसी दुकानां च, किसी रेस्टोरेंट च, और जिहड़ी भी कंट्री दे विच, जिहड़े देश विदेश दे विच प्रोग्राम देख रहे हो, तुहानूं मैं हमेशा ही दसदी हाँ कि यह प्रोग्राम नीयरली 200 कंट्रीज़ दे विच लाइव इस वेले जा रहा है, और जिथे भी बैठे देख रहे हो सब दा ही स्वागत करांगे। जी आया नूं कहांगे जी सदके कहांगे जी वारी कहांगे जनाब। मैं कहना ना कि साढ़े प्रोग्राम दे विच तुहानूं पता है बड़े कलाकार कलाकार आते हैं, म्यूजिशियंस आते हैं, पोइट्स आते हैं, साढ़े कोल भंगड़े वाले, गिद्दे वाले, फ्रॉम बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड एंड फ्रॉम बॉलीवुड जो साढ़े अज आए हुए ना कलाकार, मेरा दिल, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया, बहुत ही खुश है। सो मैं पहला जावांगी, कहिंदे ना लेडीज़ फर्स्ट ऑलवेज, वाई नॉट, वाई नॉट। मेरे नाल नहीं अज दी जो सिंगर, तुसी जिन्हां दा हुणे गीत देखिया, यू मस्ट हैव सीन स्क्रीन ब्यूटी, शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ ग्रेट, शी हैज़ गॉट ब्यूटीफुल वॉइस, शी इज़ वेरी चार्मिंग, वन एंड द ओनली साडे अनामी जी, उन्हां दा असीं स्वागत करांगे। हेलो अनामी जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। कांशी टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, एंड जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? बस, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, एज आर यू, एज आर यू। थैंक यू, थैंक यू। और दोस्तों, मेरे नाल नहीं, मेरे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लेडीज फर्स्ट था ही, मैं फिर लेडीज वाले चली गई, उन्हां दी मैं की तारीफ करा, उन्हां दी तारीफ दे विच मेरे को अल्फाज बड़े ही थोड़े पै जांदे ने। एक ऐसा इंसान के जिन्हां दे दादा जी नूं मैं इन्ना प्यार, इन्ना प्यार, इन्ना प्यार करदी हाँ कि यू ऑल नो दैट, कि जो मेरे कोई सिंगर आता, मैं कहना तुम मोहम्मद रफ़ी का गीत आता, मैं हमेशा उन्होंने पूछती हाँ। सो अज साढ़े को आए हुए ने ऑल द वे फ्रॉम लंडन, साढ़े लैजेंड लेट मुहम्मद रफ़ी जी के ग्रैंडसन, जिन्हों का नाम है रिजवान रफ़ी जी, असं उन्हों का स्वागत करांगे। Thank you very much. Welcome to the show. Salaam, yeah. And to all the Kanchi TV viewers. Thank you so much. Kaise ho Rizwan ji? I'm very well. Thank you. Glad to be here. With Anami and yourself. Bilkul, bilkul. Or you know, mere ko to itni khushi hoti hai ki you are relating to Mohammad Rafi. I don't believe. Agar mere dada ji aise ho na, main to sari duniya ko batau. You know my dada ji. बस देखे, हमारे लिए तो दादा ही थे बस। अच्छा, आपके लिए सिंगर नहीं थे? नहीं, पूरी दुनिया के लिए सिंगर थे, हम लोग के लिए हमारे। you know, जैसे वो बोलते हैं ना, एक कहावत है, आई नो बिकॉज यू बॉर्न हेयर, एक कहावत है नामी, घर की मुर्गी दाल बराबर। इन्होंने तो वो बात कर दी कि अभी हमारे लिए तो वो दादाजी थे। ऑफकोर्स वो देखो दादाजी की पिक्चर जी हाँ। अच्छा, आप कहाँ है बताएं मेरे को, आप जो बीच में जो बहुत शरारती वाले दिख रहे हैं, शरारती वाला जो एकदम सामने थोड़े से पीछे, दैट्स मी। ऑलराइट, तो अब बाकी, सो यू आर द फर्स्ट ग्रैंडसन? जी हां, आई एम द ओल्डेस्ट ग्रैंडसन। सो माय, अच्छा वो देखो जी, इसमें आप कहां हैं? एकदम दादाजी के जो सर के एकदम पीछे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं जी हां। अच्छा अच्छा, जो ये क्या हो रहा है, बर्थ कोई केक काट रहे हैं? हां, केक कट रहा था घर पे, थोड़ा सा ऐसा ही सेलिब्रेशन, जब दादा आते थे तो उनको बहुत होता था कि केक बनाओ, केक खाते थे। अच्छा, मिठाई की बहुत मिठाई के शौकीन थे जी हाँ। ऑलराइट, ओके। और ये साथ में दादी जी थे वो? जी, दादी जी बैठे थे उधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये देखो, यू नो ये पुराने टाइम में ये कारें कितनी चलती थी जी हाँ। दादा दादा का वो एक बहुत शौक था गाड़ियों का, गाड़ी का जी हाँ। अच्छा, जब भी मौका मिलती थी गाड़ी लेते थे या चलाते थे। ये देखो क्या शान है, नाउ दिस इज लुकिंग रियली रियली
मोहम्मद रफी जी, और जब भी देखो उनको बस मुस्कुरात रहती थी उनके, स्माइल है ना, ऑल द टाइम, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, लुक ही स्माइलिंग एंड सिंगिंग. नामी, व्हाट डू यू थिंक, इज दैट यू? दैट इज मी. ओह सो क्यूट. हे दैट्स इट, यस, यू आर वेरी क्यूट. हैं, यू आर स्टिल स्मार्ट. आई एम नॉट सेइंग यू आर नॉट स्टिल स्मार्ट, बट लुक, ओह आई थिंक इट्स सो ब्यूटीफुल. सो यू आर द फर्स्ट ग्रैंडसन. दैट्स राइट, यस. मोहम्मद रफी जी के कितने बेटे थे? चार बेटे थे, तीन बेटियां. तो हमारे डैडी जो थे सबसे बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटे, और हम सबसे बड़े. दैट्स द रीजन यू वर द एल्डेस्ट. क्या बात है, क्या बात है. नामी जी, बिफोर वी गो फर्दर, कोई अपनी मधुर आवाज में दो लाइनें कुछ सुनाएंगी, यू नो, फिर मैं आपसे बात करूंगी. कहां से शुरू किया, कहां पहुंची हैं, कहां पहुंचना चाहती हैं? जी जरूर. चलिए, आपको मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत पसंद है, तो उन्हीं के, और लता जी जो हमारे बीच अभी नहीं रही, तो उन दोनों ने ये इस गीत को गाए हैं. दो गाना है. और आपकी बड़ी एहसान है कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया है. तो नहीं, अरे ये आप ही के लिए प्लेटफॉर्म. मैं तो हर एवरी टाइम बैठ जाती हूँ, लेकिन आप लोग कभी कभी आते हैं. सो दिस प्लेटफॉर्म इज काशी टीवी, इज फॉर ऑल कम्युनिटीज, फॉर ऑल द सिंगर्स, फॉर एवरीबडी. हाँ जी जरूर, लेकिन आपके जो बिहेवियर है, जो जैसे आप हैं, तो उसके लिए मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है. मुझे पलकों की छांव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर. दिल चाहता है वो कहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है. मुझे पलकों की छांव में रहने दो. क्या बात है, क्या बात है. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. थैंक यू. डू यू अंडरस्टैंड हिंदी सॉन्ग्स? हम सब समझ, सब कुछ जी हां समझते हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. जब छोटे थे, जब से छोटे हो, तो सब दादा के गाने सुनते थे. अच्छा. तो आपको कौन सा सबसे अच्छा गीत लगता है? इनको तो ये अच्छा लगता है, प्यार का गीत. आपको उनका कौन सा गीत अच्छा लगता है? बहुत सारे हैं, बहुत सारे. आई थिंक जो हमारा फेवरेट होगा, बहारो फूल बरसा. बहारो फूल बरसा. नामी जी कर दो, बहारो बरसा दो फिर फूल इनके ऊपर. बहारो फूल बरसा, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है. सितारे रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब. वो शादी पे नहीं थे, है ना? Unfortunately, नहीं, वो गुजर गए थे उससे बहुत पहले. सो व्हेन मोहम्मद रफी जी योर दादाजी पास्ड अवे, आपकी कितनी एज थी? 14 years old. You were 14 years old. So I was lucky enough, unlucky enough. I was there on holiday in India. We'd Bombay. Gone, yeah, Bombay mein. तो हम लोग छुट्टियाँ में जब भी होता था बॉम्बे पहुँच जाते थे. दादा दादी के पास. जी हाँ. अच्छा. बहुत प्यार करते थे. बहुत प्यार करते थे. तो all of the children, all of to all grandchildren, all grandchildren. तो but yeah, हम लोग छुट्टी के यहाँ गए थे. रमजान का महीना था, तो हम लोग सब ईद मनाने वाले थे सब साथ. अच्छा अच्छा अच्छा. फिर अनफॉर्चुनेटली ऊपर वाले की मर्जी थी, मर्जी के थी. उठा ले उनको. दैट्स नाइस. चलो, लेकिन आपको टाइम लगा उनके साथ कंपनी करने का, बैठने का, यू नो, बिकॉज आपके दादाजी थे भाई. व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कंपनी तो हम कर रहे हैं. और पता है जगदीप जी, मैं इतना तो कह सकती हूँ, जितना भी मैंने रफ़ी साहब के बारे में सुना है, इनके दोस्त होने के नाते, कि इनके जो बिहेवियर है, जो सोच है, वो बिल्कुल रफ़ी साहब से मिलता है. क्योंकि हमने पहले सुना था, मिले नहीं थे. जब से हम दोस्त बने, मैं हर बार इनसे मिलती, मुझे लगता है ये तो बिल्कुल रफ़ी साहब जैसे हैं.
बातें करते हैं ना, बातों में ही नहीं, इनके सोच में, इनकी सादगी में, इनके बड़प्पन में, इन ये बिल्कुल हुबहू रफी साहब जैसे ही है। तो आपने कब शुरू किया ये गीत संगीत का? गीत संगीत का इसका इसकी जो शौक है मुझे वो तो बचपन से ही रही है। बहुत चित्र खाए मैं जैसे कि सीखने के लिए नहीं, नहीं सीखना नहीं, मैथ्स करवाने के लिए बिठाते थे मम, और कार मेरी वहाँ होती थी बुए बाड़ियों के बाहर, कहाँ से लता जी की आवाज़ आ रही है, रफ़ी साहब की आवाज़, आशा जी की आवाज़, तो बड़े यू नो सभी की ये नेचर थी। जब हम भी पढ़ते थे ना तो रात को ये साइड पे रेडियो चलता ही था, तो भोली बिसरी यादें गीत आते थे वहाँ पे, तो चित्रहार भोली बिसरी ये सारे सुनते थे। तो तब से शुरू मुझे शौक लगी इस चीज़ की, सीखा नहीं मैंने कभी बचपन में, पर हर स्टेज प्रोग्राम में, एनुअल फंक्शन में हमेशा सेंटर में होती थी और परफॉर्म करती थी। तो स्टेज मेरे लिए अजनबी बिल्कुल नहीं है, और आजकल आज भी मुझे बहुत पसंद है स्टेज पे परफॉर्म करना, पर सीखना मैंने शुरू किया कुछ अभी 5 साल तो हो ही गए हैं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू। मैंने अभी फिलहाल मैं सीख रही हूँ मंगल सिंह जी से, जो कि आप जानते हैं पंजाबी सिंगिंग के सरताज है, रेलगड्डी कौन नहीं जानता जी बिल्कुल, और अभी भी बहुत ही बुलंद आवाज़ है, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर भी हैं, और वो मेरे बॉलीवुड के गुरु जी हैं, और मुझे बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बेटी की तरह सिखाते हैं। और फिर साथ साथ मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मुझे दो ऐसे गुरु मिले हैं, दूसरे गुरु जी उस्ताद जी तौसीफ अख्तर जी हैं, जो कि गज़लों के शहनशाह हैं, और वो इंडिया में रहते थे पहले, तो मौका नहीं मिला, अब यहाँ पे आके बसे हुए हैं, तो मैं उनसे ट्रेनिंग ले रही हूँ गज़लों की और सेमी क्लासिकल्स की, और वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर्स हैं। बट आई फील वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि गाना अपनी जगह है, और समझ के गाना कि हम क्या कर रहे हैं के गाना, वो अपनी जगह है, और मुझे ये मौका मिला है कि मैं वो सीख पाऊँ जो कि मुझे बचपन से मेरी चाहत थी। यू नो जैसे इन्होंने सीखा, आपसे भी मैं पूछूंगी, आपने दादाजी से सीखा क्यों नहीं? उन्होंने कभी किसी को इनकरेज नहीं सिखाया, नहीं इनकरेज नहीं किए थे जब अच्छा। उनके सब बच्चों को भी कभी इनकरेज नहीं किया, और फिर हम लोग को जब हम लोग तो छोटे थे। तो आपके कितने मोहम्मद रफी जी के बच्चे, आपने बोला 4 बेटे? चार बेटे और 3 बेटियां, एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन में हमने थोड़े दिन पहले बैठ के देखे थे, माशाल्लाह 18 ग्रैंड चिल्ड्रन, दैट्स गुड, 23 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। All right. Yeah. तो फिर उन्होंने अपने ब्रदर्स को, अपने बच्चों को लड़कों को बिल्कुल नहीं बोला कि सीखो? उन्होंने कभी इंकरेज नहीं किया, उनको पता था कि वो इंडस्ट्री वो टाइम पे कितनी मुश्किल थी, कितना हार्ड था उसमें, तो उन्होंने सोचा कि कॉम्पिटिशन भी था, तो उन्होंने सोचा उनको बाहर निकाल दें अपने पैरों पर खड़े हुए। अच्छा, तो फिर आपके डैडी लंदन आ गए? जी हाँ, माई डैडी पहले आए थे लंदन, फिर इधर काम वाम में बिजनेस में लगे थे, फिर उसके बाद हमारे 2 चचे थे, उन लोग भी आए लंदन, तो दादाजी ने बोला आप सभी जाओ, मैं अकेला गाऊंगा। जी हाँ, एक स्टोरी है कि डैडी बोलते थे, बताते थे कि दादा ने बोले उनके बेटे लोग को या बेटियां को जिसको भी, कि अगर कोई वो इंडस्ट्री में जाएगा तो हमारे से बेटर होना, नहीं तो फिर नहीं करना। तो उनसे बेटर तो कोई हो नहीं सकता, तो कोई नहीं गया, सभी लंदन आ गए। अच्छा, तो आपकी बुआ, आपकी जो 3 बुआ वो? हमारी 2 फुप्पियाँ जो है बॉम्बे में अभी तक है, 1 फुप्पी इधर है लंदन में, एंड बाकी अनफॉर्चुनेटली जो चचे हैं, एक सबसे छोटे चचे बॉम्बे में रहते हैं, और दूसरे चचे तो वो भी नहीं गाते, चाचा भी नहीं गाते, नहीं थोड़ा सा कोशिश किए थे बहुत थोड़ा सा, लेकिन इतना कुछ, लेकिन वो लेवल दादाजी के लेवल पे नहीं जा सके। आई थिंक शौकिया के लिए कर लेते, शौक के लिए गा देते। तो अनफॉर्चुनेटली डैडी और जो हमारे 2 दूसरे चाचा हैं वो तो गुजर गए, तो अच्छा, दिस इज जस्ट माय यंगेस्ट चाचा लेफ्ट। तो आपके दादाजी की जब बर्थ हुआ था 1924, तो अगर आप वो जीते होते तो 98 के होते वो। जी हाँ, माशाल्लाह 98 years old, you know, 98, और लता जी और उनकी एज का इतना फर्क नहीं था, वो 24, जी हाँ, वो 29 में, she born in 29, that's right, yeah, so ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। हम सोचते हैं कि अभी अगर होते उन लोग कैसा म्यूजिक कैसी होती है आजकल के। जब आपको होश आई तो आपको कब पता चला कि भाई मोहम्मद रफ़ी इज माई दादाजी एंड ही इज सच ए बिग स्टार? I think when I reached my teen years,
फिर हमको थोड़ा सा पता चला, जब इधर लंदन में 20s में जब पहुँचे ना तो हमको वो हुआ कि फिर वो टाइम पे ज़्यादा सुनते थे गाने, पिक्चर देखते थे, फिर हमको वो लगा कि इतना वो बड़े शख्स था। अच्छा, you didn't realize? लेकिन हम जब बॉम्बे जाते थे, वो जैसे हमने बताया दादाजी थे, हम लोग घर पे जाते थे फैमिली के टाइम पे। अच्छा। उनका वो क्या था, घर पे जो थे फैमिली मैन। अच्छा। स्टूडियो में जब जाते थे तो वो अपना गाना शुरू करते थे। अच्छा, आप सभी के सामने नहीं प्रैक्टिस करते थे? प्रैक्टिस रिहर्सल होती थी लेकिन वो अपने चुपचाप से अपना करते थे। तो सुबह उनका बहुत स्ट्रिक्ट रिहर्स था, सुबह 5:30 बजे उठते थे, ही वाज अ वेरी नमाजी बहुत थे, तो सुबह 5:30 बजे उठेंगे अपना रियाज करते थे, फिर अगर रिहर्सल होता था या रिकॉर्डिंग होती थी तो जाते थे, अदरवाइज घर पर रहते थे तो बस बच्चे लोग के साथ फैमिली के साथ हंसी मजाक। नेवर शोड ऑफ। यस, मैं तो कह रही हूँ अगर मेरे दादाजी ऐसे होते ना मेरे को ऐसे लगना तो मैं तो आसमां पे चली जाती। है ना, आपको कैसा फील होता अगर आपके दादाजी होते मोहम्मद रफी? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो मेरे दादाजी हैं। एक तो रिजवान से, हाँ, एक तो रिजवान से दोस्ती है, दूसरी बात नहीं, बचपन से उनके गाने सुन सुन के मेरे, माय डैड इज अ ह्यूज फैन ऑफ रफी साहब, तो यू नो हम सुन सुन के बड़े हुए हैं हमारे घर में सभी, तो हमें ऐसा ही लगता है कि हमारे डैड हैं, हमारे ग्रैंडफादर हैं। यही ताज्जुब की बात है कि ये जो आर्टिस्ट थे, जो 5 हमारे सितारे थे गोल्डन ओल्डीज के, जिन्होंने इसको मशहूर बनाया दुनिया भर में, वो उनका रिश्ता रिश्ता ना होने के बावजूद ऐसे लगता है हमारे से हर इंसान के रगों में बैठे हुए हैं। ये उनकी उनकी जो उमदा गायकी है या उनके जो एक्सपीरियंस है या जो उन्होंने हमें दिया है, यू नो दे हैव रिलेटेड टू अस इवन विदाउट नोइंग अस। So many people. It's true, very true. तो आप performances करती हैं? जी ज़रूर करती हूँ। ज़्यादा करती होंगी? मैं try करती हूँ कि मैं अच्छे venues में perform करूँ, तो मैं stage में काफ़ी perform करती हूँ या फिर private महफिल ज़्यादा करती हूँ। What sort of functions you are performing? So I do weddings. Weddings is a lot of, I do a lot of weddings, mehndi functions. Mm-hmm. I have performed for Rotary and for Lions Club because Lions Clubs are all linked. So kabhi kahin pe gaye to wo bolte ki acha hum kisi ko jante hain. And so I sing a lot for Lions Club and I really like doing charitable programs because I think usme bahut logo ki bhalai hoti hai. And so I try to work with a lot of charitable organizations, give them a discount for the booking and so on and so forth because I want to do something for the community as well. You know, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ गाऊँ, और असल बात तो ये है कि जो सुनते हैं हमें वो नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है ना उनके बिना हम कुछ तो नहीं। We need to do something for the people around us and their families. So जहाँ पे चैरिटी के कभी मुझे शोज के कॉल्स आते हैं तो मैं हमेशा वो तो करती ही हूँ, स्टेज प्रोग्राम्स करती हूँ, डेडिकेशन फॉर किशोर दास बरसी 2 years ago and then unfortunately COVID came along but we had 2 other booked in Harrow Arts which we couldn't do, which has been postponed. So hopefully later on this year maybe we will do that and plus I launched my YouTube channel so That has been doing very well. आपके दादाजी चैरिटी बहुत करते थे? जी हाँ, जो भी उधर कर सकते थे, जितना कर सकते थे वो करते थे, और आई थिंक बाद में अभी हमने थोड़े से स्टोरी सुने हैं कि उनके गुजरने के बाद पता चला है कि कितनी चैरिटी करते थे। कोई कोई लोग अभी आते हैं घर पे और आए हैं घर पे पूछने को कि ये नहीं आया पैसा या ये कुछ नहीं आया पैसा, तो पता चला कि वो चुपचाप ही से वो किसी को इधर पैसा दे रहे इधर पैसा दे रहे, वो पता ही नहीं चलता पता था नहीं चलता ना था। उनका कब जब भी कोई कुछ होता था हाथ में पॉकेट जाता था, जितना था वो निकाल के दे देते थे और फिर बोलते थे ऊपर वाला देखेंगे। सो स्वीट। आपको क्या लगता था जैसे दूसरे सिंगर्स हैं आफ्टर मनी भागते हैं कि हमको इतना चाहिए, कभी आपके दादाजी ने भी कभी आपको लगता है कोई आया? वो टाइम पे तो हम छोटे थे तो आई डोंट थिंक हमको इतना वो जहन था, लेकिन नहीं फ्रॉम जो हम डैडी बताते जी हाँ जो हमको बताते दादाजी का आई डोंट थिंक उनका वो पैसे का वो था, उनको जस्ट द लव ऑफ म्यूजिक एंड द लव ऑफ सिंगिंग, तो वो बोलते थे कि ये ऊपर वाले की देना है। तो मैंने सुना उनके लता जी के साथ उनकी थोड़ी हो गई थी, वो हुआ था कुछ पहले। हाँ जी हाँ, उन वो रॉयल्टीज के ऊपर था, तो अच्छा। अभी हमको फुल स्टोरी तो नहीं मालूम है लेकिन वही था, दादा का बिलीफ था कि उन्होंने गाना गाए
वो प्रोड्यूसर के लिए डायरेक्टर के लिए गाना गाए, उनका काम हो गया है. वो लेकिन अभी देखो वो तो पुरानी बातें थे जी. हाँ, एक्चुअली लता जी वॉज अ वेरी एस्ट्यूट बिजनेस वूमन अलॉन्ग साइड ऑफ बींग अ वेरी एस्ट्यूट सिंगर. और उनको ये लगा था कि गीतों में आवाज़ तो सिंगरों के ही डलते हैं लेकिन मुनाफा सबको होता है. सिंगर के फैमिलीज उस वक्त बहुत पुअर हुआ करते थे. हाँ जी, और उनके जो ये वो खड़े रहे इस बात के लिए, उसके वजह से आज जितने भी सिंगरों के फैमिलीज हैं वो सब बेनिफिट कर रहे हैं इससे. तो उसने वो अपने अकेले के लिए. लेकिन अपने अपने नेचर होते हैं ना, जैसे रिजवान जी बता रहे हैं कि मोहम्मद रफ़ी जी वॉज लाइक दैट. तो मेरे को पता चला एक बार उन्होंने 10 रुपये में शुरू किया था प्रोग्राम, तो कहते वो गाना 4 साल के बाद आया तो किशोर जी ने बोला कि मैं तो 500 ही लूंगा जो बात हुई. तो कहते उन्होंने वापस कर दिए 490 और 10 रुपये ही रखे कि मैंने तो इसमें बात की थी. हाँ जी, वो ऐसे करते थे. ऐसे मैंने स्टोरीज काफ़ी सुने हैं कि उनके घर पे पैसा भेजा है और उन्होंने जो उन बात हुई थी वो रख के बाकी पियोन के हाथ भेज दिए हैं कि भाई आपने ज़्यादा पैसा. बिफोर वी गो ऑन ब्रेक, अभी तो टाइम बिल्कुल कम है, तो कह रही थी एक आधी लाइन ही गा देती आप. चलिए एक लाइन सुना दो फिर ब्रेक पर जाएंगे. एक प्यार का नगमा है फॉर वैलेंटाइंस डे. मौजों की रवानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है. जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है. बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल. एक प्यार का नगमा है, मौजों की कहानी है. प्यार का नगमा, प्यार के नगमे जिन्हें खूबसूरत होंगे है ना, कोई नगमे नहीं होंगे, सैड सॉन्ग्स भी नहीं होंगे. और तुम्हें पता है कि वैलेंटाइंस डे आ रहे हैं, लेकिन छोटी जी ब्रेक वाल जा रहे हैं. ब्रेक तो बाद सबका स्वागत करेंगे. जी आए नु कहेंगे जी सद के कहेंगे. स्टे ट्यून ऑन कांशी टीवी चैनल 772 ते असी जस्ट गए ते आए बिल्कुल थोड़े नाल इन्हां दे नाल मुलाकात नु जारी रखांगे. स्टे ट्यून, विल बी बैक रियली रियली सून. बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए. जी हाँ दोस्तों, साडे अनामी जी ने मेरे लिए गीत सुनाया तो मैं इना लई बदन ते सितारे, बदन पे मोती लगा के कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ तो चैन आ जाए. बिल्कुल ही कबूल करो, स्वीकार करो. ब्रेक तो बाद एक बार फिर गुड इवनिंग, नमस्ते, सलाम अलैकुम ते बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव. होर सुनियो की हाल चाल. उम्मीद रख रही हूँ थोड़ा ये प्रोग्राम बड़ा ही पसंद आ रहा होएगा, क्योंकि जो आज मेरे को कलाकार आए ने दोनों, दे आर ग्रेट, दे आर वंडरफुल, दे आर डाउन टू अर्थ पीपल. दे हैव गॉट डिफरेंट ग्रेट पर्सनैलिटीज. वन इज सिंगर एंड वन इज विद द ग्रेट लैजेंड मुहम्मद रफ़ी जी ग्रैंड सन. साढ़े को बहुत ही अच्छे रिजमान रफ़ी जी. और पहला रिजमान जी ना गल करिए, सेकंड टाइम है, सेकंड राउंड है. जरूर, जरूर. और असं स्वागत करांगे साढ़े रिजवान रफ़ी जी का इस शो दे विच. वेलकम बैक. थैंक यू, थैंक यू सो मच. हाउ यू आर फीलिंग? वेरी गुड, वेरी रिलैक्स्ड, एंजॉयिंग इट. रिलैक्स्ड, दैट्स गुड, दैट्स गुड. एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन. कभी भी नहीं गाया, थोड़ी लाइनें तो कभी गाई होंगी. कभी भी हमने नहीं गाया. अच्छा, बहुत हैरान की बात है कि मोहम्मद रफ़ी का ग्रेट सन हो, ग्रैंड सन हो, और उसने कभी गाया नहीं. नहीं, कभी शौक है सुनने का. सुनने का जी हाँ, लेकिन कभी गाया नहीं. तो खाने का भी शौक होगा जी. रफी साहब को खाने का शौक, खाने का बहुत शौक था उनको. अच्छा? स्पेशली मीठे मीठे चीज़ें. जी हाँ, और जो वो नहीं करना चाहिए था उनको. अच्छा, क्यों? वो डायबिटिक थे. अच्छा, तो वो चुपके चुपके जब भी आते थे, बच्चे लोग होते थे तो कुछ फ्रिज में से अगर कोई बच्चा कुछ निकाल ले थोड़ा सा चखने दो, लेकिन दादी को नहीं दिखाना. दादी को नहीं बताना. अच्छा, दादी स्ट्रिक्ट थी? दादी स्ट्रिक्ट थी, बॉस थी घर में. जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं थे. कभी भी हम, जब से हम छोटे थे जब तक वो गुजर गए, कभी हमने उनको गुस्सा नहीं होते हुए देखे, कभी बच्चे को गुस्सा होते हुए डांटते हुए नहीं. वो नहीं, दादी का डिपार्टमेंट. वो दादी का डिपार्टमेंट. अच्छा, वो दादाजी को भी डांट देती थी कभी कभी आप नहीं बताएंगे.
खाते हैं उनको खाने का बहुत शौक। एक स्टोरी है, हम लोग जब बॉम्बे में थे तो हम लोग निकले एक दिन गाड़ी में के दादा के साथ बैठे थे, तो वो टाइम पर हमको पता नहीं था इतना ज़्यादा, पानी पूरी खाने गए एक छोटा सा घर के पास ही था, गाड़ी में बैठे वो इंडिया में बॉम्बे में जैसे विंडो में खोल के अपना वो लेके आता, तो एक दूसरी गाड़ी आई उधर उधर पार्क हुई तो देखे बैठे, वो भी विंडो खोली, दिलीप कुमार साहब बैठे थे उसमें, दिलीप कुमार जी दादा इधर बैठे वो उधर बैठे अपना पानी पूरी, उन्होंने थोड़ा सा वेव करके हेलो हेलो करे फिर चले। तो दादा खाते सभी कुछ थे, पानी पूरी सब चीज़ खाते थे। यू नो जब गाते थे ना, जैसे ये मैंने शुरू किया था मेरे मितवा, मैं आज सुन रही थी उनकी आवाज़ तो ऐसे ऊपर जाती थी, उनका सुर जैसे बादलों में चले गए। जी हाँ, यू नो माय गॉड ही हैड रियली ग्रेट वॉइस, रहती दुनिया तक उनका उनकी आवाज़ रहेगी, लेकिन जब वो सुर इतने कंफर्टेबली ऊपर ले जाके नीचे लाके वैसे खड़ा कर देते थे, यू नो, और उनकी आवाज़ ऐसे है ना अनामी, ऐसे लगता था वो बादलों में गुम हो गई आवाज़ उनकी, हेवनली वॉइस। बहुत आएंगे बहुत चले जाएंगे, लेकिन वो थम जो है ना वो वहीं पे रहेगा, और उनके गीत थम तो अब तो यंगस्टर्स भी बड़े पसंद करते हैं पुराने गीत, यू नो रेडियो पे भी इतनी रिक्वेस्ट आती है उनके पुराने गीतों की, जगदीप मोहम्मद रफी का गीत हो, मैं तो खुद ही बहुत बड़ी फैन हूं। आई थिंक ही वाज अ वेरी गॉडली पर्सन एज वेल, एंड दैट रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज वॉइस, देयर वाज अ सर्टेन प्योरिटी इन हिज वॉइस व्हेन ही सांग, यू नो यू फेल्ट लाइक यू आर इवन इफ इट्स अ रोमांटिक सॉन्ग यू फेल्ट लाइक ही वाज इन द टेंपल। It was like he's a saint, yeah. You know, जब गाते थे चाहे romantic song गाते थे चाहे कुछ भी गाते थे, तो आप फिर कोई romantic song ही सुना दो। With Valentine's coming up, yes, with Valentine's coming up. रिजवान के लिए सुना दो। नानी, रिजवान के लिए सुना दो। Okay, ठीक है। उनकी वाइफ कुछ नहीं बोलेगी आपको। नहीं, वो तो मेरी दोस्त है, उनकी बीवी भी मेरी दोस्त है। These are my favorite couple friends. पहले दोस्त बना लिया। नहीं, ये दोनों मेरे दोस्त हैं। ये दोनों मेरे दोस्त हैं। क्या सुनाएंगी इस बार? मिलके टांग खींचते हैं इनके तो, it's okay. चलिए, मैं लता जी की एक गीत सुनाती हूँ इसलिए क्योंकि वो इन आई एम रियली फीलिंग हर लॉस स्टिल। ये जो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ ये ओरिजिनली मूवी में इंक्लूड नहीं होने वाली थी, पर फिर ये वो कौन थी मूवी से है, और जब मनोज कुमार को अप्रोच किया गया कि ये सॉन्ग तो रखना चाहिए, तो उन्होंने पूरा स्क्रिप्ट ही बदल के अलग सीन करके ये गाना रखा उसमें, एंड इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स ऑफ लता जी, लेकिन ये स्टोरी सबको नहीं पता है जिस दिन उनकी डेथ होती है। जी 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 जी, तो दो लाइनें। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले ए, ए। क्या बात है, ब्यूटीफुल। लता जी एंड मोहम्मद रफी जी का ड्यूट, दो गाना भी इतने सुंदर थे ना, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग्स, यू नो। और मोहम्मद रफी जी ने जब गाना, तो जैसे ही फिल्म स्टार गा रहा है, उनके गाने जो शम्मी वाले थे ना, कैसे उसको करते थे जैसे शम्मी डांस कर रहे ना उसके साथ ही, उनका वो पूछते थे कि किसके ऊपर गाना होने वाला है, और फिर वो अपनी आवाज़ वैसे निकालते थे उस सिंगर के साथ, वो जो स्टार फिल्म स्टार के साथ है ना, तो किसके साथ आपको अपने डैडी ने बताया किसके साथ ज़्यादा जमती थी रफ़ी साहब की? ऐसे तो नहीं बताया, लेकिन आई थिंक हमको पर्सनली शमी कपूर, आई ग्रो अप विद वॉचिंग शमी कपूर पिक्चर्स। धर्मेंद्र जी थोड़ा सा बाद में, लेकिन शमी कपूर वाज आई थिंक जी हां माय फेवरेट। दिलीप कुमार जी के साथ भी था उनका जी, बहुत सब लोग के साथ गाए थे उन्होंने, तो गाया सभी के साथ। कई बार होता है ना कि किसी के साथ ज्यादा मेलजोल
होता है, तो शम्मी जी के साथ जी, आई थिंक उनका कनेक्शन जो था connection. वो थोड़ा सा ज्यादा था, आई थिंक पर्सनली, क्योंकि जब वो डांस करते थे वो वैसे ही गाते थे जी हाँ, जैसे आप डांस कर रहे हैं रफी साहब. हमको जो होता है कि दादा बहुत ही नमाजी, बहुत ही ऐसे थे, तो पीते नहीं थे, लेकिन अच्छा? कोई ऐसे शराबी गाना सुनेंगे ना हाँ. तो कोई बोलेगा नहीं, कोई ऐसे तो नहीं पी उन्होंने हाँ. अच्छा, ऐसा कोई गाना अच्छा, कभी पीते नहीं थे वो? कभी नहीं पीते थे. अगर मैं उनके टाइम होती ना, आई यूज़्ड टू लव हिम. अच्छा बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि उनका जो द वे ही कुड मोल्ड हिज वॉइस टू एनी सिचुएशन. अच्छा, कभी डैडी ने ये बताया कि कितनी लड़कियां उन पे मरती होंगी? नहीं बताया. नहीं, मरती तो होंगी, इतने नामी इतने रोमांटिक गाने गाएगा कोई, तो कोई तो लड़कियां तो बहुत मरती होंगी. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट व्हेन समबडी फॉलोज यू इन म्यूजिक, you don't see them as a woman or a man that is following you. You see them as your fans, and you almost worship them as your fans. You know, and that's how an artist should be. So because they are. लेकिन आजकल तो नहीं ऐसे हैं. Well, I can only say कि artist को कैसा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखे हैं पहले. You know, जैसे रफी साहब को आप बोल रहे हो, या फिर मैं मुझे पता है काफी सारे artists ऐसे हैं जो वो fans में gender नहीं देखते. तो शायद रफी साहब जेंडर नहीं देखते होंगे. लेकिन रिजवान बता रहे हैं ना कि दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी. दादी तो बहुत स्ट्रिक्ट थी. तो बेचारे रफी जी क्या करते, अगर उनके दिल में कुछ होता भी जी, तो वो बोल नहीं सकते थे दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी. मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने फैंस में जेंडर नहीं देखते थे, सिर्फ फैंस देखते थे. ट्रू, वेरी ट्रू. अच्छा, तो फिर आपके जो गीत गाती हैं, जब आप फिल्मिंग करती हैं गानों की, कवर वर्जन ही गाते हैं, खुद लिखती हैं कुछ, खुद बनाए अपने गाने? फिलहाल तो कवर वर्जन से सिर्फ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि कुछ जो पुराने गाने हम भूल चुके हैं उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करके पेश करें, उनको बदले नहीं, रीमिक्स नहीं करें, ओरिजिनल रखें, बट अपनी आवाज़ में मैं उनको रेंडर करूँ. जैसे मैंने दो सीरीज़ किए हैं यूट्यूब में, आपके ऑडियंस पहले वाला सुनाया, अब छोड़ के जाएंगे. हाँ जी, www.youtube.com/anamibose, या आप मेरे वेबसाइट में भी जा सकते हैं anamibose.com. तो वहां से आप YouTube जा सकते हैं. कवर्स किए हैं मैंने, एक गोल्डन ओल्डीज का किया है, और एक मैंने पेपी डिस्को सीरीज किए हैं, और अभी जो रिलीज होने वाली है 14th ऑफ फरवरी को, वो है रूहे गजल, क्योंकि गजल मेरी रूह के बहुत करीब है, और गजलों में जो जैसे जो सुर होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो इमोशन से जुड़े होते हैं, रूह से जुड़े होते हैं. तो मैंने रूहे गजल रिकॉर्ड की है. तो ऐसे करो, रूह की गजल की खुराक ही सुना देखिए, मेरी इंटरेस्ट जो है गजलों में वो शुरू हुई थी मदन मोहन जी से और लता जी के कॉम्बिनेशन से. तो लता जी के एक गजल है जो मुझे बहुत पसंद है. अगर मुझे से मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आँसू मुझे मेरे कसम दे दो. अगर मुझसे मोहब्बत है. वाओ, ब्यूटीफुल. दिस वन कैसा लगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो उनकी हॉबीज क्या होती थी? हॉबीज़ जब टाइम मिलता था उनको अवे फ्रॉम स्टूडियोज, तो बैडमिंटन के बहुत शौकीन थे. अच्छा. जब भी उनको मौका मिलता था बैडमिंटन बहुत खेलते थे. मैंने एक पिक्चर भी देखी थी उनकी बैडमिंटन जी हाँ खेलते हुए. और फिर बच्चे लोग के साथ अगर टाइम मिलता था तो कैरम भी बहुत खेलते. कैरम बोर्ड जी हाँ, कैरम बोर्ड. उस टाइम में कहते कैरम बोर्ड बहुत खेलते जी हाँ हाँ. तो वो अभी तक हमारे पास भी एक है घर पे, तो हम भी हमारे बच्चे लोग के साथ भी कैरम खेलते हैं, सुनाते हैं. दादा भी ऐसा खेलते. दादा जी हाँ को शौक था कैरम बोर्ड का. और क्या शौक था उनको? और जब पतंग की सीजन आती थी, पतंग उड़ाना, तो अच्छा. हम भी सीखे वो मांझा पकड़ने को. ये वाली बात मुझे पता नहीं थी. तो वो जब होता था हमको बताए से रेडी, जब हम छोटे थे तो उनकी जो पतंग होती थी काली कलर की होती थी. अच्छा. ऑलवेज वी हैड अ ब्लैक वन. अच्छा. और हम लोग के लोकल उधर घर के पास आई बिलीव नौशाद साहब रहते थे, मन्ना डे रहते थे, तो उन लोग के
कितना निकालने का कितना वो करने का। अच्छा तो रफी साहब कितने ऊपर लेके जाते थे पतंग? चली चली रे पतंग मेरी, चली रे चली बादलों के पार, बैडमिंटन खेलते हैं। आप तो लकी हैं, यू वर 14। अच्छा मैंने तो लगता नहीं है कि मैंने अपने दादाजी अपनी ज़्यादा उसमें देखे, एक दो बार जिंदगी में देखे होंगे, उनकी भी डेथ हो गई थी, नानी तो मैंने देखी नहीं। सो आजकल के जो है ना नानी दादी दादा सभी यंगस्टर्स हैं, पहले बात और थी, पहले तो उनके बच्चे ज़्यादा होते थे, फिर उनके बाग वाले ज़्यादा। अभी तो हम भी नाना नानी बन गए, मौका ही नहीं लगता था बच्चों को देखने का इतना, उनको स्पेशली दूर दूर रहना। जी वो तो था, यू नो इंडिया में तो बहुत दूर रहते थे एक दूसरे के, यू नो आई डोंट नो अबाउट विलेजेस, उनमें तो साथ में रहते थे। जैसे हम चंडीगढ़ में सारी उम्र रहे हैं, तो वो मेरे नानी नाना, नानी तो मेरी माँ ने भी नहीं देखी, नाना मेरा इंदौर था। अच्छा। तो कितनी बार मिल सकते थे उनको, यू नो आने जाने। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी थैंकफुल जब हम छोटे थे, जो भी मौका मिलता था हम लोग छुट्टी में, समर हॉलीडेज, क्रिसमस हॉलीडेज, ऑल द टाइम स्ट्रेट बॉम्बे दादा दादी के पास रहते थे। और फिर हमारे वही सब फ्रेंड्स भी, लोकल बच्चे लोग सब, I think that was where तो जब वो रियाज करते थे तो आपके सामने करते थे बच्चों के नहीं, सामने? नहीं, नहीं। रियाज का पता था, होता था मेन हॉल जो बंगले में हॉल था, उधर डबल डोर होते थे, वो पर्दा होता था उधर। अच्छा। तो जब दादा अंदर जाके बैठते थे, वो पर्दा बंद हुआ, वो पता होता था कि रियाज हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करने का, अंदर नहीं जाने का। तो सब बच्चे, जी हाँ, तो बच्चे शोर नहीं डालते थे? नहीं, नहीं, नहीं। कभी बच्चों को झिड़क दी उन्होंने? वो दादी देखती थी, दादी हटा देती थी, लेकिन बच्चे लोग को पता होता था कि वो बंद है, तो पता है कि उधर नहीं जाने का, चुपचाप रहें, चुपचाप रहने का। और बाकी टाइम तो बस खेलकूद, रियाज के टाइम में, जी हाँ रियाज के टाइम पर। तो किसके लिखे हुए गीत ज्यादा गाए उन्होंने, नौशाद साहब के या और किसी के? आई थिंक नौशाद साहब का ही होगा, आई थिंक उन्होंने की भी कॉम्बिनेशन जो थी, It was good. It was very good. मेरे को लगता है सभी राइटर्स के उन्होंने गाए हैं, लेकिन नौशाद साहब के ज़्यादा गाए, पुरानी फिल्मों में आते थे गाने। हाँ जी नामी जी। हाँ जी। तो आपका जो चैनल है उसमें खुद ही गाती हैं कि और भी कोई सिंगर्स आते हैं? नहीं, मेरे जो यूट्यूब चैनल है वो मेरा अपना है, और उसमें अभी आई हैव गॉट अ टोटल ऑफ 140,000 व्यूज, और ये नया चैनल है क्योंकि सिर्फ 8 महीने हुए हैं उसको लॉन्च किए हुए, 8 महीने, 1 साल होगा एक्चुअली, इट विल बी 1 ईयर बिकॉज 14th of February आई रिलीज माई फर्स्ट एवर सॉन्ग ये समर, दैट वॉज लास्ट ईयर, बिकॉज वी वर ऑल स्टक इन कोविड, couldn't do anything, and I thought, you know what, I'm going to release some songs and people can watch it and enjoy themselves. So I started doing that. I just got a bug of it and carried on doing good quality videos, high definition videos, you know. So mera hi hai channel, and yeah, I'm just... So practice kab karti ho aap riyaz? Subha karti ho, shaam ko karti ho? Do baar din mein. दो बार दिन जी, सुबह भी शाम जी, सुबह काम पे जाने से पहले, क्योंकि यू नो आई एम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, सो फुल टाइम मेरा काम ही है, तो एंड देन म्यूजिक इज माय प्रेयर, माय इबादत, इट्स माय लाइफ, सो सुबह उठ के 6:30 बजे 7:45 बजे करती हूँ। नहीं, आई गॉट अ साउंड प्रूफ रूम, आई गॉट अ स्टूडियो इन माय हाउस एंड अ साउंड प्रूफ रूम, एंड आई प्रैक्टिस देयर, एंड देन 9 बजे मैसेज आई जाती है रियाज किया, like yes khusa ji kar liye, and so he keep, you know, the my teachers keep a tab on me, especially tosi ji, he keeps a tab on me, to tab karti hu ek aur geet thoda sa ho jaye, time to bhag rahe, acha ji chaliye aapke liye again, are kya baat hai aapki nazron ne samjha प्यार के काबिल मुझे दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों ने समझा, क्या
नहीं वैसे आपकी नजर ने समझा तो काबिल इसके कि आप हमें बुलाए अपने प्रोग्राम में. सो नाइस ऑफ यू. तो उनका पहनने का क्या शौक था, उनको कपड़े कैसे पहनते थे? जब वो बाहर जाते थे अपना स्टूडियो में जाते थे तो उनका सफारी सूट पिक्चर्स में देखें तो सफारी सूट में होते थे. घर में जब रिलैक्स करते थे कुर्ता होता था, लुंगी पहनते थे. अच्छा, घर में बस. तो कौन सी लैंग्वेज में बोलते थे, हिंदी पंजाबी? ज़्यादातर हिंदी में बात करते, उर्दू हिंदी में बात करते थे. लेकिन गाने तो कितने उसमें कितने लैंग्वेजेस में गाए, पंजाबी में बड़े खूबसूरत गाए. जी हाँ, आप पंजाबी समझते हैं? थोड़ी सी पंजाबी समझ लेते हैं, बात नहीं करते घर में. घर में बस. तो उनके घर में आपकी दादी बात करती थी पंजाबी में? नहीं, पंजाबी में नहीं, घर में सब घर में उर्दू हिंदी बोलते थे. क्योंकि मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत पंजाबी गीत गाए, लता जी के साथ भी, और शब्द बहुत गाए उन्होंने. शब्द भी बहुत अच्छे गाए उन्होंने. और बंगाली में भी वो मेन स्ट्रीम सिंगर थे लता जी और रफी साहब दोनों. तो रफी साहब एक वक्त था जब हर मूवी में रफी साहब ही गा रहे थे. तो उन्होंने बहुत बंगाली सॉन्ग्स भी गाए हैं मेन स्ट्रीम मूवीज के लिए. तो नया प्रोजेक्ट क्या, कौन सा कर रहे, क्या आ रहा है फ्यूचर प्लान्स? नया प्रोजेक्ट यही जो मैं रिलीज करने वाली हूँ 14 फेब को, जो है क्योंकि वो एनिवर्सरी भी है हमारे चैनल की. और रूह गज़ल जिसमें हम 8 गज़लें रिकॉर्ड करके रिलीज करने वाले हैं एक एवरी वन यू नो 2 to 3 weeks. और ये कुछ फिल्मी गज़लें हैं, कुछ नॉन फिल्मी गज़लें हैं. मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी लेकिन सब बहुत ही पॉपुलर गज़लें हैं. और मूवी के सॉन्ग्स भी हैं तो यू नो आपको सुन के पता चलेगा कि एक्चुअली हमने तो इसे सॉन्ग समझा था पर ये है तो गज़ल. तो आप ज़रूर देखिएगा. रिलीज हो रहा है जी जी 14th of February इज़ द फर्स्ट वन दैट्स कमिंग आउट. एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक 8 सॉन्ग्स हम रीच नहीं कर जाते. आप लोगों ने हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था हमारे फर्स्ट दो जो सीरीज़ है उनको. तो मैं चाहूँगी आपकी आशीर्वाद चाहूँगी, आपके ब्लेसिंग्स चाहूँगी और आपका साथ चाहूँगी, आपका प्यार चाहूँगी कि आप ज़रूर हमारे साथ www.anamibose.com और www.youtube.com/anamibose. गाना छोड़ के जाएंगे आपका जी सर. तो आप आखिर में क्या हुए, क्योंकि मेरे को तो कितना टाइम चाहिए आप दोनों के साथ, यू नो आज 1 घंटे में तो इतनी बातें भी नहीं हुई. आई वांटेड टू आस्क यू सो मेनी थिंग्स अबाउट मोहम्मद रफी. पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तो फिर 2 घंटे का शो करेंगे. अच्छा, तो आप आखिर में क्या बोलेंगे? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. And also, I'm sure, thank you for having Anami here as well. It's been a pleasure. Thank you. And thank you to all the viewers and remembering Dada. Very and good. Thank you so much. They all love your Dadaji. Yes. Yeah. And especially me. and keep watching Jagdeep Ji. I think she's a fantastic host. I actually watch her programs as well. I think she's so chulbuli and fun. Ek line suna do, fir dikhayenge aapka geet. Jo chhod ke ja rahe hain. Oh, okay. Jo. Raat baaki, baat baaki, hona hai jo, ho jaane do. थैंक यू. तो दोस्तों शुक्रिया अदा करांगे असं अनामी जी का, शुक्रिया अदा करांगे रिजवान रफी जी का जिन्होंने आके थोड़े मेरे ना गलबात की तुसी सुनी. लेकिन वक्त सानू होर चाहिए सीगा, लेकिन कहते ना वक्त किसी का लिहाज नहीं करना. अपना ख्याल रखना, किसी का भी ख्याल रखना. किसी का ख्याल रखोगे उपर वाला थोड़ा ख्याल रखेगा. यह देखो इस गीत को, सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, बाय बाय.